विजय रथ यात्रा के महान नौकरियां छीन ली, रोजगार छीन ले, रोजगार छीन ले, नौकरियां छीन ली और बनाते हैं बुलडोजर से और अभी सड़कों में देकर के आ रहे हैं। हमें बड़े बड़े पुल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पुल सड़क के डिवाइडर पर पुल खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए 22 का चुनाव पुल और बुलडोजर हटाने वाला है। तैयारियां देखिए, समाजवादी संघर्षवादी हैं और हमेशा संघर्ष करके ही आगे जाते हैं। आप लोगों को खुद दिखाई दे रहा हो कि आज सड़कों पे समाजवादी संघर्ष कर रहे हैं और समाजवादी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई विपक्ष संघर्ष कर रहा होगा। और आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। इस परेशानियों को लेके आज सर समाज के लोग अखिलेश जी के साथ निकले हुए हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कितना सैलाब है और ये सैलाब बहुत आगे जाएगा और अखिलेश जी पुनः 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम सब युवाओं की एक उम्मीद और आस है। विजय यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या मूल मंत्र, क्या संदेश देते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं क्योंकि लोग परेशान हैं, पीड़ित हो चुके हैं लोग और लोगों की कोई सुनने वाला नहीं, सरकार में कुछ सुनी नहीं जा रही। ये सरकार ने इतना त्रस्त कर रखा है कि हर तबका परेशान है और हर तरीके से परेशान है। आपको पता होगा डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई, सारी सामग्री महंगी हो गई और किसान पे कितनी बड़ी एक गाज गिरी है आप समझ रहे होंगे। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बताइए अगर इस सरकार ने कोई काम किया हो, एक काम गिना दीजिए आप। अखिलेश जी ने तो हर काम किया, आज हो सकता है अमूल का उन्होंने काम किया, यहाँ पे पावर प्लांट का काम किया, हर तबके मतलब हर वर्ग में काम किया। और ऐसा नहीं उन्होंने एक खाली समाज के लिए काम किया, सर्व समाज के लिए काम किया। और हो सकता है आप लोगों ने खुद देखा होगा कि सर्व समाज को हर चीज दिलाने का काम किया होगा। ऐसा मुख्यमंत्री न जीवन में हुआ है न होगा, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे और सारे समाज की आज की डेट में आवाज है माननीय अखिलेश जी। क्या मानते हैं कि 2022 जो विजय यात्रा निकाली जा रही है, आपके 2022 में जो सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की होगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और विजय यात्रा का मतलब ही आप लोग समझते हैं कि विजय हमारी तय है।